दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों आप इस समय कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता के आंदोलन के बारे में जानते होंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह सड़क पर आ चुके हैं। आपको बता दें, इस समय पश्चिम बंगाल में नवाना चलो आंदोलन चल रहा है। बंगाल में बीजेपी की जो कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे उन पर बंगाल की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए और कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मीडिया के लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की और पुलिस ने लोगों को इकट्ठा होने से मना किया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज किया और उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि इसमें कई बीजेपी नेता घायल हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय इस मामले में कह रहे हैं कि हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ममता जी ने इस शांति आंदोलन को हिंसा में बदल दिया और पुलिस ने गुंडों के साथ मिलकर हम लोगों पर पथराव किया। दोस्तों आज तक से बात करते हुए बीजेपी के महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार डरती है, इसलिए सरकार के खिलाफ विरोध का जो अधिकार है उसे भी हमसे छीन रही है। दोस्तों बीजेपी के नेता लाखेट चटर्जी ने इस मामले में कहा कि पुलिस ने हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, हमारे ऊपर पत्थर भी फेंके गए जिसके कारण कई लोग घायल हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के इस प्रदर्शन को देखकर पश्चिम बंगाल के सरकार ने सचिवालय नवन्ना को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है और हावड़ा शहर में स्थित सचिवालय में 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाएगा और इसी कारण 2 दिनों के लिए सचिवालय का कामकाज बंद किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, बंगाल सरकार ने बीजेपी के प्रदर्शन से निपटने के लिए अच्छे से इंतजाम कर लिया है। आपको बता दें, नवन्ना के आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस तरह प्रदर्शन को देखकर वहां की प्रशासन और भी सतर्क हो गई है। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते सचिवालय तक ना पहुंच पाए, इसलिए बंगाल प्रशासन नवन्ना की ओर आ रहे रास्तों पर 5 DIG स्तर के अधिकारी तैनात कर दिए हैं और कई मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया है। दोस्तों आपका इस प्रदर्शन के बारे में क्या मत है? क्या हाथरस में कोरोना की दुहाई देने वाली बीजेपी सरकार को बंगाल में प्रदर्शन करना ठीक है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।